तो स्टुअर्ट ब्रॉड और रिचर्ड कैटलबर्ग एम्पायर जो है उनके बीच में हमें कुछ बहसबाजी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिचर्ड कैटलबर्ग उनसे कहते हैं कि आप हमें एम्पायरिंग करने दीजिए और आपने अपनी बैटिंग पर फोकस कीजिए। इसके बाद रिचर्ड कैटलबर्ग रुकते नहीं है और उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड को कहते हैं कि वो चुपचाप जाके बैटिंग कीजिए वरना आप फिर से मुसीबत में आ जाएंगे। तो रिचर्ड कैटलबर्ग जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा नजर आते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड से, क्योंकि बॉलिंग करते टाइम भी इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ था, अनबन हुई थी। तो रिचर्ड कैटलबर्ग वही अंपायर हैं जो कि अनलक्की साबित होते रहे हैं भारतीय टीम के लिए, क्योंकि 2014 से हर नॉकआउट मुकाबले में वो मौजूद थे और हर नॉकआउट मुकाबला जो है वो भारतीय टीम हारी है और अब के मैच में भी वो अंपायरिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं ये मैच में भारतीय टीम जीत पाती है नहीं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलता है।